हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज जो ड्राइंग है वो है पेंसिल। तो आप लोगों को क्या है, पेंसिल में कलर करना है। तो कैसे, तो आपका ड्राइंग बुक के अंदर इस तरह का पेंसिल बना हुआ है और उसके अंदर कलर कौन से ब्लॉक में कौन सा कलर करना है ये भी बताया गया है। तो चलो आज हम इस पेंसिल को कलर करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे कलर करता हूँ। सबसे पहले हम ये वाला कलर लेंगे। ये कहाँ करना है आप लोगों को, इसके अंदर। तो हम लोग कैसे इस तरह से अंदर कलर करेंगे और देखेंगे कि कैसा लगता है ये। आप लोगों ने अपनी पेंसिल देखी होगी ना, कैसी लगती है, ऐसी लगती है ना, अंदर जो पॉइंट रहता है उसकी ऊपर इस तरह से लगता है ना। तो हमको क्या है, इसको भी इस तरह से कलर करना है। तो देखो मैं कैसे कलर कर रहा हूं। और ये कलर करने के बाद कैसा लगेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग सब अपने अपने घर में अपने ड्राइंग बुक के अंदर इस तरह से कलर करना, ठीक है। देखो किस तरह से मैं कलर कर रहा हूँ इस चीज को, आप भी उसी तरह से कलर करना और इसको फिल करना। और ये भी ध्यान रखने का कि हमको आउटलाइन के बाहर नहीं निकलना है, ओके। देखो ये कलर कर दिया मैंने, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम नेक्स्ट कलर करेंगे ऑरेंज। तो ऑरेंज कहाँ करना है, हमको टू साइड करना है। एक तो यहाँ सबसे पहले हम ऊपर कर लेंगे ताकि क्या है, हमारा जो बॉर्डर है वो अंदर आ जाए, यानी कि आउटलाइन के अंदर आ जाए हम लोग। फिर हमको जो कलर है वो इस तरह से करना है, ऐसे हमको कलर यूज करना है और कलर इस तरह से हमको सेम टू सेम करना है। तो आप लोगों भी, आप लोग भी घर पे यही करना, इस तरह से कलर करना, ठीक है, और इंजॉय करना। हमें क्या करना है, कलर जो है वो इंजॉय करते हुए करना है। तो क्या है, हमें बहुत मजा आएगा। जैसे कि अभी मैं को मजा आ रहा है, वैसे आप लोगों को काफी मजा आएगा। फिर आपको जो ये वाला लाइन है इसके अंदर भी ऑरेंज करना है और बीच में जो है येलो करना है। तो चलो आ जाओ येलो करते हैं। तो येलो के अंदर हमको इस तरह से येलो करना है। देखो कितना यूनिक लगने लगा पेंसिल, है ना। हमको इस तरह से इसको क्या है, येलो क्रेयॉन से पूरा फिल करना है इसको इस तरह से, ओके। आप लोगों को ये कलर करने में बड़ा मजा आएगा, आप लोग एक बार घर पे ट्राई करें तो बहुत अच्छा लगेगा अपने ड्राइंग बुक के अंदर। आप, आई होप आप सबके पास ड्राइंग बुक होगी। तो ड्राइंग बुक के अंदर आपको ये करना है, यानी पेज में नहीं, यानी जो आपके ड्राइंग बुक के अंदर जो पेज है उसके अंदर इसको करना है। देखो कितना यूनिक से हो गया ये कलर। इस तरह से करने के बाद अब थर्ड हम करेंगे, फिर यहाँ ऑरेंज करना है आपको। अब यहाँ करना है तो यहाँ पर कौन सा कलर है आपका, ग्रीन। तो हम ग्रीन ले लेंगे और जो ग्रीन कलर है वो हम इसके अंदर करेंगे। कैसे, इस तरह से। हाँ, इस तरह से हम लोग क्या है पूरा ग्रीन कर लेंगे इसको। ऐसे ग्रीन करेंगे तो कितना ही अच्छा लगेगा। देखो मैंने यहाँ पर ग्रीन कर दिया तो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से क्या है, हमको ग्रीन करना है यहाँ पर, ओके। इस तरह से आप कलर कर लेंगे तो आपका कलर जो क्या है बहुत यूनिक लगेगा। ओके, देखिए ऐसे। अब हमको सबसे ऊपर का जो ब्लॉक है तो वो कौन सा कलर होता है आप सबको पता है, ब्लैक। तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर करेंगे ऐसे। इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर करेंगे, क्योंकि पेंसिल का ऊपर तो ब्लैक होता है तभी तो हम लिख पाते हैं ना, इसीलिए ब्लैक कलर करेंगे इस तरीके से। देखो कितना अच्छा है,
हमारा पेंसिल, हमने इसको ब्लैक कलर कर दिया है। ब्लैक कलर के बाद कैसा लग रहा है ये? ऐसे इस तरह से क्या है, हमको ब्लैक कलर करना है। ओके, अब उसके जो बीच में जो दिया गया है उसमें हमको कौन सा कलर करना है? हमको उसमें लाइट कलर दिया गया है तो हम उसमें लाइट कलर करेंगे। कुछ एक ग्रे कलर जैसा दिया है तो उसके अंदर हमको ग्रे कलर कर देना है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर आप ग्रे कलर करना। ओके, तो ये आपका जो ड्राइंग है इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो आप भी अपने ड्राइंग बुक में इसको बना लेना, क्रेयॉन से कलर कर देना। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ड्राइंग के वीडियो में। बाय।